जहानाबाद के सट्टू नगला गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब बिजली विभाग का एक डिस्कनेक्शन लोकल ठेकेदार बनकर चेकिंग करने पहुंच गया। उसने अपने आप को सरकारी अधिकारी बताकर मिठाई की दुकान में बिजली की चेकिंग करना शुरू कर दिया। मीटर लगने के बावजूद भी अधिकारी ने दुकानदार को हड़काना शुरू कर दिया। बिजली बिल जमा ना करने और चोरी से बिजली चलाने को लेकर दुकानदार से 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी। दुकानदार ने ज्यादा पैसे सुनकर कुछ कम करने की बात कही तो डिस्कनेक्शन टीम के लोकल ठेकेदार भड़क गए। लोगों ने उनकी बातों से जाहिर कर क्षेत्र के लाइनमैन से जानकारी ली तो पता चला कि महोदय ना तो सरकारी नौकर है और ना ही डिस्कनेक्शन टीम ने उन्हें चेकिंग करने के लिए भेजा है। फिर क्या था, लोगों ने फर्जी अधिकारी का वीडियो बनाना शुरू कर दिया जिससे दुकानदार से डिस्कनेक्शन टीम के लोकल अधिकारी ने रिश्वत मांगी थी। दुकानदार स्वामी ने 20,000 रुपए निकाल कर रिश्वत देना शुरू कर दिया। खुद को बिजली विभाग का अधिकारी बताने वाला रिश्वत के समय ज्यादा भीड़ को देख पैसे ना पकड़ दुकानदार को मुकदमे और पुलिस से गिरफ्तार कराने की धमकी देने लगा। लोगों का जमावड़ा देख फर्जी अधिकारी के हाथ पैर फूलने लगे जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खुद को सरकारी अधिकारी बताने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर थाने ले गई। अब देखना यह होगा कि यह सब बिजली विभाग के अधिकारी बताकर जो लोग घूसखोरी कर रहे हैं क्षेत्रों में उन लोगों के खिलाफ कब तक शासन प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। मोहम्मद बाजिद है मेरा नाम। बाजिद भाई, कौन रिश्वत मांग रहा था, क्या अधिकारी थे ये वो? बिजली विभाग की टीम बनाकर ना बिजली विभाग से है और चेकिंग है ये, और वो है आगे आने के बाद में इन्होंने हमारी वीडियो बनाई, दुकान की वीडियो बनाई और बनाने के बाद में मुझसे बोले ना वो ऐसा तुम्हारा नाम काट देंगे और तुम जो 20,000 रुपये इंतजाम कर लो। मैं बोला मैं छोटा गरीब आदमी हूँ, मुझे 10,000 रुपये ले लो। इन्होंने जो है 10,000 में नहीं माने, बोले 10,000 नहीं 20,000 रुपये चाहिए। मैं बच्चों से लेकर आया, मैंने रसीद दिखाई, मेरा कनेक्शन है मेरा ना कमर्शल नहीं है तुम्हारा, तो मैंने किस अभी दुकान में नहीं, मैंने कमर्शल बनाया ये, और वो गरीब आदमी हूँ तो ना वो 20,000 रुपये दो तब जाकर तुम्हारा नाम काट देंगे। जब मैंने 20,000 रुपये देने की बात करी तो मुझसे जो है ले रहे थे इतने ही मीडिया और ये लोग सब इकट्ठे हो गए, पब्लिक आदमी इकट्ठे हो गए कि भाई आप अपनी आईडी दिखाइए। तो इनके पास आईडी कुछ नहीं, इनके पास कोई प्रूफ नहीं था। बहरहाल बिजली विभाग से जो बिजली विभाग से संपर्क करे तो बिजली विभाग की कोई टीम नहीं थी, कोई आदमी नहीं था। कौन सी गाड़ी से घूमते हैं ये सफ़ेद रंग की गाड़ी है बिलर इनके पास, और ये 4-5 फेरी और ले गए हैं पब्लिक से लूट कर पैसे, और गाँव में ही आते रहते 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 हैं और लूट के ले जाते रहते हैं, मतलब पब्लिक को इसी तरीके से काम करते हैं, पब्लिक के संग ये खिलवाड़ कर रहे हैं, पब्लिक से पैसे कमा लेंगे। अब क्या हुआ, अब तुम लोगों का कम्प्रोमाइज़ किसने कराया था, तो क्या सत्य पाया गया है? अब कम्प्रोमाइज चौकी इंचार्ज बोले क्या साहब, दोनों बैठ के संपर्क कर लो अगर कर सको तो कुछ सभी आदमी ने मन की चलो भाई कम्प्रोमाइज कर लो, क्या जो तुम्हारे पास बिल है वो बिकाया बिल जमा कर दो, तो हमें वो बिल जमा करना। तो क्या ये बिजली विभाग के अधिकारी थे या फर्जी थे? फर्जी थे, ये फर्जी थे और ये फर्जी आपसे नहीं आ रहे हैं, कई दिन से आ रहे हैं, इनका यही काम है पैसे लिया और अपने छोड़ दिया पब्लिक, इन्हें तो यही काम करना है। पब्लिक ने कितनी पब्लिक इकट्ठा हो गई थी और क्या? 150 आदमी लगभग 200-150 आदमी के करीब में थे आदमी, जिसमें क्या लगे इनसे पूछा गया तो इन्होंने कोई सवाल नहीं जवाब नहीं दिया कोई तो किसी रंग का भी वहाँ पर। कितनी बार उगाही करके ले गए आपके यहाँ से? लगभग 5 या 6 बार लगभग ले गए हैं ये उगाही करके, जैसे और भी आदमी है, कई सारे आदमी हैं, इश्तकार है मेडिकल वाला, उससे भी 1,000 रुपये लिए इन्होंने, 1,000-2,000 रुपये, और भी 2-4 आदमी से बंदों से लिए हैं। क्या चाहते हैं आप? यही चाह रहे हैं बस, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जो सही है वो होना चाहिए। क्या अगर यही अधिकारी फर्जी अधिकारी अगर चेक इन करना आते रहेंगे तो क्या लगता है तुम्हें कि किस तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो फिर ये सरकार की तरफ से फिर ऐसा मान लो हमारे संग जालसाजी हो रही है और हमारे संग नाइंसाफी हो रही है अभी आम जनता के लिए। ठीक, बताओ किसे किसे देंगे आदमी लेकर जा रहे हैं, बताओ क्या करें। ठीक है, नाम है आपका? सर मेरा महबूब। महबूब भाई, क्या उगाही करने के लिए आप यहाँ पे आए हुए थे सप्तंग गाँव में? डिस्कनेक्शन टीम से जी। ठीक है, सप्तंग कॉन्ट्रेक्शन से। ठीक है सर, हमने आए और हमने जो इनसे बिल मांगा जी, पब्लिक इतनी उत्तेजित हो गई अचानक से ही भड़क पड़ी है। बस नहीं, आपने पैसे मांगे? इनका इनका आरोप है कि 20,000 रुपए आपने मांगे थे, किसी से एक रुपया नहीं मांगा सर। ये तो वीडियो में भी साफ तौर पर आ रहा है, गड्डी की गड्डी आप पकड़ रहे हैं। ये तो आप आए सर, इधर आके आगे मैंने सबसे बिल मांगे और कुछ नहीं किया सर। उसके अलावा कौन से विभाग से हैं आप? जी सर, डिस्कनेक्शन टीम से। आप कहाँ से? आपके साथ साथ कौन है? सर सप्तंगला गांव में आपकी टीम चेक इन के लिए गई हुई थी, क्या है पूरा मामला? उनके साथ 20,000 रुपए की रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। गांव सप्तंगला में आसान किस योजना में किसानों को गरीबी बिल पे छूट के लिए कैंप लगाया गया था,
उसमें डिसकनेक्शन के लिए एक हमारे कॉन्ट्रेक्टर बेस है जो लाइन काट रही है कंज्यूमरों की, जो इनका बकाया है, तो उनके साथ में कंज्यूमर के साथ में किसी बात को लेकर मतभेद हो गया था, जो बाद में मामले को आपस में समझा लिया गया है। अब ऐसा कोई विवाद नहीं रह गया है, कंज्यूमर से लिखित में भी ले लिया गया है और दोनों टीम बैठ के आपने समझौता कर लिया है। सर, ग्रामीणों का आरोप है उसने 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसमें हाथ में भी वीडियो में सामने आ रहा अधिकारी के सामने। नहीं, उस जिस जो कंज्यूमर पैसे की आरोप लगा रहा था ना, उसने खुद इस चीज़ का स्पष्टीकरण दिया है कि ये मैं बिल जमा करने के लिए जा रहा था, बाद में मेरा फोटो इसमें आ गया था, तो ऐसा कोई मामला नहीं। उसने लिखित में इस मामले को इनकार किया है कि मैं कोई रिश्वत दे रहा था, मैं कुछ घूस दे रहा था। अच्छा सर, अब फैसला हो चुका है इन लोगों का, कहाँ पे हुआ था, किस तरह? ये हमारे क्षेत्रीय करनपुर चौकी लगती है, वहाँ पे इस मामले का समझौता हो गया है दरोगा साहब के सामने। सर, कोई पुलिस को सूचना देके गई थी ये टीम जो चेक इन के लिए गई थी? नहीं, अमूमन हर गांव में जहाँ कैंप लगा रहे हैं तो हम सूचना नहीं देते हैं, अगर मॉर्निंग रेड कर रहे हैं या कोई चेकिंग कर रहे हैं तो उसमें दी जाती है, बाकी कैंप के मामले में सूचना देते हैं। जब कोई वैसे कोई दिक्कत आ जाती है तब क्षेत्रीय पुलिस या क्षेत्रीय थानाधीश को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। मामला है जो आज आप सुप्रंगले में आए हुए हैं। मामला ये है कि यहाँ पर पब्लिक बहुत देखी हमने, तो हम यहाँ बैंक पर खड़े थे ड्यूटी में, पीआरबी के कर्मचारी हैं, बताया कि बिजली विभाग का नाम लेके कुछ लोग उगाही कर रहे हैं, तो यहाँ भीड़ को ज़्यादा देख के हम इन लोगों को करनपुर चौकी पहले लेके जा रहे हैं, वहाँ दरोगा जी से मुलाकात कराएंगे, इनके कागज़ देखेंगे, इनकी बात सुनेंगे, अगर कोई असंवैधानिक काम हो रहा है तो वहाँ कार्रवाई चौकी से होती है, चौकी नहीं तो चौकी से थाने लेके जाएं। सर, यहाँ ग्रामीणों का आरोप है इन्होंने 20,000 रुपये भी मांगे थे। हाँ, वो कह रहे हैं, मैंने उनको भी बैठा लिया है और इनको लेके चौकी जा रहा हूँ। तो सर, इनके पास कोई प्रूफ है जो बिजली विभाग के अधिकारी है बता रहे हैं? नहीं, इस समय कोई विभाग नहीं है, ये कह रहे हैं कि हम प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला हुआ है, तो अब इनसे चौकी पे जाके हम जानकारी करेंगे और वहाँ और भी स्टाफ दरोगा जी इंचार्ज होंगे, उनके सामने इन्हें सब बैठा लेके और इनकी बात करेंगे, इनके कागज भी देखेंगे और इनके अधिकारियों से बात करेंगे। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि पिछली बार भी ये कई बार इस तरह की उगाही करके ले गए। ग्रामीण बता रहे हैं और मैंने ग्रामीणों को बता दिया है कि जिनको जो भी दिक्कत है वो चौकी पर आ जाए, हम इनको लेके चौकी पे जाए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।